हेलो फैमिली, आज बनाएंगे कटहल का कोफ्ता जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और कम समय में बन भी जाते हैं। चलिए पहले कटहल ले लेंगे। कटहल को मैंने वॉश करके रखा है। अब एक कुकर में कटहल डाल देंगे, एक गिलास पानी डाल देंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। चलिए तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। अदरक ले लिया है मैंने, खड़ा गर्म मसाला ले लिया है और 4 हरी मिर्ची को मैंने तोड़ के डाल दिया है। थोड़ा जीरा डाल देंगे और पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए अब कटहल चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से बॉयल हो गई, तो इसको एक प्लेट में बॉयल कटहल अब निकाल लेंगे हम। देखिए सारा कटहल को निकाल लेंगे, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया ये। अब इसको गिलास की सहायता से हम इसको पूरा मैश कर लेंगे। थिक के लिए इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, मिक्स पेस्ट डाल देंगे और इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए अब कढ़ाई गर्म होगी, तो इसमें सरसों का तेल डाल देंगे हम। अब कोफ्ते का शेप दे देंगे गोल गोल करके। देखिए अब एक एक करके कढ़ाई में तेल में डाल देंगे हम। देखिए एक तरफ सीख गई है, तो अभी दूसरी तरफ हम पलट देंगे। देखिए अब हो गई है अच्छे से, तो इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा है, ज़रूर ट्राई करें। ये कम समय में बन जाते, बहुत टेस्टी बनते। अब प्याज डाल देंगे इसमें, प्याज ब्राउन हो गई है, तो इसमें हम डाल देंगे हींग, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से चला लेंगे। इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, जीरा पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा था जो मैंने, वही डाल देंगे। इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और 2 बड़े साइज का टमाटर डाल के इसको अच्छे से फिर चलाएंगे हम। इसमें चिकन मसाला डाल देंगे, आप चाहो तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसको कवर कर देंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। बीच बीच में मसाले को हम चलाते रहेंगे। देखिए अब मसाला अच्छे से भून गई है। इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे, गरम मसाला लास्ट में डाल देंगे और कोफ्ता डाल देंगे। देखिए इसमें लास्ट में हम धनिया पत्ती डाल देंगे। ये बहुत सच में बहुत स्वादिष्ट होती है। आप रोटी चावल किसी के भी साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। बाय एवरीवन, थैंक यू।